इस वीडियो पे कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि 50 करोड़ दफा लोग मुझसे ये बात पूछ चुके हैं कि यार तुम चश्मा लगाते थे, तुम्हारा चश्मा कहाँ गया। तो आज मैं फाइनली इसका आपको जवाब देने लगा हूँ कि वो चश्मा कहाँ गया। बेसिकली मैंने करवा ली थी लैसिक सर्जरी। अब ये लैसिक क्या भला है, कौन सी आंखों का इंजर पिंजर खोलते हैं, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। और ये वीडियो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर सिर्फ अकेले मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे घर में 4 लोगों ने लैसिक सर्जरी करवाई है। एक ने 2008 में, फिर 2014 में 2 लोगों ने, और एक ने 2020 में। तो आपको इस वीडियो के अंदर एक डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा कि किस तरीके से लैसिक सर्जरी होती है और उसके बाद क्या होता है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको अभी फौरन ही दे देता हूँ कि ये कोई मेडिकल रिव्यू नहीं है, इसके अंदर से आप किसी भी किस्म की कोई मेडिकल एडवाइस सीख करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल रिव्यू है कि हम लोगों ने जो लैसिक करवाया वो कितना अच्छा और कितना बुरा रहा, क्या उसकी अपसाइजेज हैं और क्या डाउनसाइजेज। तो सबसे पहले मैं आपको लैसिक सर्जरी का प्रोसेस बता दूं, ये एक इंतहाई पेनलेस 10 मिनट का प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और ख़ुद मैंने लैसिक जुलाई 2014 में करवाया था, जो कि रमज़ान का महीना था और मेरा रोज़ा था। डॉक्टर ने मुझे कहा था रोज़ा ना रखें, लेकिन मैंने कहा कि मैं रख के जाऊँगा और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे तोड़ना नहीं पड़ा। तो यानी कि आपको कोई मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ती, बस मैं वहाँ क्लिनिक पहुँचा शाम के टाइम में, उन्होंने मेरी आँखों में कोई सोल्यूशन डाला और थोड़ी सी देर में मेरी आँखें नम हो गई। तो मैं आपको पहले शुरू से बताता हूँ इस प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक बुलाता है और आपकी आँखों को एग्जामिन करता है, आपके कॉर्निया को, क्या वो इतना थिक है कि उसके ऊपर ये प्रोसीजर हो सकता है या नहीं। और जब आपको डॉक्टर ये बताए कि आपके कॉर्निया के ऊपर ये हो सकता है या नहीं, प्लीज़ सेकेंड ओपिनियन ले लें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर आपका कॉर्निया चेक करते हैं, आपकी आई की हेल्थ चेक करते हैं क्या उस पर हो सकता है या नहीं। तो फॉर्चुनेटली मेरी आँखों के ऊपर हो सकता था, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका हो जाएगा। और एक हफ्ते बाद की उन्होंने मुझे डेट दी, जो कि रमज़ान थी। जिस दिन वो आपकी आँखें चेक करते हैं उस दिन वो आपकी आँखों को में कोई सोल्यूशन डालते हैं, जिससे आपकी आँखों का जो ये वो होता है ना, ये जो छोटा सा ब्लैक वाला होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको आँखों में ना बहुत रोशनी लग रही होती है। तो आप अपना काला चश्मा ज़रूर साथ लेके जाइएगा जिस दिन आप चेकिंग के लिए जा रहे हो, तब भी, क्योंकि वापसी में आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर जिस दिन ऑपरेशन का दिन होगा उस दिन आपको डॉक्टर बुलाएगा और तकरीबन 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले आपकी आँखों में कुछ दवाइयाँ डालेगा, जिससे वही आपकी आँखें जो हैं बिल्कुल सुन हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, मेरा रोज़ा था, मैंने तो कुछ खाया, कोई दवाई भी नहीं खिलाई उन्होंने मुझे, बस वो मेरी आँखों में डाला, आधे घंटे बाद मेरी आँखें सुन हो गई हैं। क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, एक टेबल पर लिटाया और मेरे ऊपर ना वो जो फांसी देने से पहले जो मास्क चढ़ाते ना वैसा चढ़ाया, जिसके अंदर सिर्फ आँखें खुली नहीं थी, तो बेसिकली वो जल्लाद का मास्क था। डॉक्टर ने मुझे ये मेक श्योर कराया कि आपको कोई दर्द नहीं होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी आँख के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू किया, मेरी आँखों से मुझे नजर आना बंद हो गया और मेरा दिल चाहने लगा मैं चीख के बोलूँ अबे ओ क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसको एक दफ़ा पूरा करने दो, फिर तसल्ली से करेंगे। खैर वो मेरी आँख, उसने एक आँख ऑपरेट की और फिर वहीं उसको सिरका के इधर किया, दूसरी आँख ऑपरेट की, 10 मिनट में मैं बाहर था। तो उस वक्त तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट चुभ रही थी, देखिए मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जो एक लाइट चुभ रही होती है ना, ऐसे बहुत तेज़ आपकी आँखों में लेज़र या लाइट डाली जाए, वो हो रहा था, कोई दर्द नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं घर चला गया, तो मैं आराम से जाके इफ्तारी करके सो गया। फिर जब मैं रात को उठा तो मेरी आँखों में मुझे लग रहा था थोड़ा खून आया हुआ है, यानी कि वो जो नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बाद अच्छा रात को तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कहा सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो भैया जो बहारें आई हैं ज़िंदगी में, बगैर चश्मे के मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मैं एकदम बावला हो गया, मतलब ये कितना अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। और लेकिन ये है कि उस वक्त रात के अंदर मुझे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। और लैसिक के अंदर ये बहुत कॉमन है कि आपको तकरीबन कोई 3 महीने लगते हैं आँखें सेट होने में, तो शुरू के अंदर वो आपको धुंधला धुंधला नज़र आता है, लेकिन 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही आती हैं। 7 साल हो गए मुझे लैसिक करवाए हुए और मुझे दिन के अंदर तो ऐसा नज़र आता है, ओहो। रात के टाइम थोड़ा सा क्या कहते हैं, मुझे लाइट्स थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं, और 3 महीने बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ लैसिक के प्रोज और कॉन्स। सबसे बड़ा और वाहिद प्रोज का यही आपको चश्मा उतर याद है बस, लेकिन कॉन्स इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उनको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लैसिक का पहला जो मसला है वो ये कि आपकी आँखों में कुछ महीनों के लिए आंसू आना बंद हो जाते हैं, तो आपकी आँखें बहुत ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं वो नकली टीयर्स डालने पड़ते हैं आर्टिफिशियल, जिसकी वजह से आपकी आँखें वेट रहती हैं, वरना आपको आंसू नहीं आते। तो लैसिक का एक जो सबसे बड़ा है वो है ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है आँखों में। दूसरी चीज़ लैसिक का जो कॉन है वो ये कि 3 महीना आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्या मेरी आँखें सही हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन फिर ये कि वो टाइम के साथ सही हो जाती हैं, तो वो बस एक थोड़ा 3 महीने का थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा पीरियड रहता है। अब मैं बताता हूँ हमारी अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस। जो मेरी सबसे बड़ी आपी है उन्होंने 2008 या 2009 के अंदर लैसिक करवाया था, और उनका लैसिक उस वक्त तक चला जब तक उनकी शादी हो गई, चलता रहा। फिर जब उनका
माशाल्लाह हमारा पहला भांजा हुआ, उसके बाद उनको थोड़ा सा देखने में मसला होने लगा और फिर उनके वापस चश्मा लग गया, लेकिन उनका भी कोई गुड 7-8 साल चला और उसके बाद लेकिन उन्होंने वापस चश्मा लगा लिया। बहुत कम नंबर का लगा लेकिन उनके चश्मा वापस लग गया। मेरी जो दूसरी बहन ने करवाया, अब मैं जो आपको कह रहा था ना कि सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा, वो यहाँ बहुत ज़रूरी है। मेरी जो दूसरी बहन ने करवाया, उनका कॉर्निया जो है वो इतना हेल्दी नहीं था कि उसके ऊपर लैसिक हो सके, लेकिन जो डॉक्टर साहब थे उनको अल्लाह जाने कौन सी हवस थी कि ऑपरेशन होना जाए, पैसों की थी क्या था, कोटा पूरा करना था, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने, हालांकि जब उनका उनके कॉर्निया की रिपोर्ट आई तो जिस बंदे ने, यानी कि जो असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, उसने कहा इसके ऊपर नहीं हो सकता लैसिक। डॉक्टर साहब ने कहा अरे अरे हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, और उन्होंने एक कमज़ोर कॉर्निया के ऊपर वो लैसिक का ऑपरेशन चेप दिया। 3 महीने का टाइम था तो जो मेरी आबी थी वो यही सोचती थी 3 महीने में सेट हो जाएगा, उल्टा उनके उतना ही चश्मा दोबारा लग गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा नंबर का। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने डॉक्टर साहब ने, उनको चाहिए था कि वो बताए थे कि भाई नहीं हो सकता। जब डॉक्टर से हमने कहा कि भाई ये क्या किया, तो कहने लगा जी वो अब हमें इतना तो हम डीप नहीं जा सकते थे, इनका कॉर्निया हल्का था, तो भाई मत करते ना, उन्होंने लेकिन ज़बरदस्ती कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो लैसिक है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद तो हमें डर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस डॉक्टर से मेरी बड़ी आपी ने कराया था, उसी के बाद उन्हीं छोटी आपी ने भी उन्हीं से करवाया था जिनका लैसिक सही नहीं हुआ, लेकिन विद इन 3 मंथ्स था, तो मुझे भी करवाना ही था, मैंने भी करवा लिया। अगर वो 1 साल में देख लेता आपी को कि उनका सही नहीं हुआ, मैं कभी भी नहीं करवाता। लेकिन क्योंकि जो अपिया का मेरा टाइम था वो सिर्फ 3 महीने का था, उसके अंदर मैंने भी उसी डॉक्टर से करवा लिया और मेरा बिल्कुल सही हुआ। तो उन डॉक्टर साहब का स्कोर 3 में से 2 का सक्सेसफुल है और 1 उन्होंने गलत कर दिया। तो मैं उन डॉक्टर साहब को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनसे करवाएं, आप कहीं और से करवाएं। कहां से करवाएं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। फिर उसके बाद अभी मेरे छोटे भाई ने बिल्कुल रिसेंटली कराया, 1 साल भी नहीं हुआ, उसका सक्सेसफुल रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसने करवाया है हाशमानीज से, जहाँ से उसका लैसिक हुआ और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा चल भी रहा है उसका। तो हम 4 बहन भाइयों ने लैसिक करवाया, जिनमें से 3 का सक्सेसफुल हुआ और 1 का सक्सेसफुल नहीं हुआ। अल्लाह ने अगर उनकी आंखों को कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात चश्मा उससे भी बड़ा लग गया, तो फायदा क्या हुआ, क्यों बंदा आंखों का रिस्क ले। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लैसिक अच्छी चीज़ है, तो मैं कहूँगा लैसिक एक बेहतरीन चीज़ है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी रही है और मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ जिनकी आंखें हेल्दी हों, मतलब हेल्दी से मेरी मुराद कि उनके ऊपर ऑपरेशन हो सका। ये नहीं कि आपका 6x6 आके हमने कहा चलो लैसिक करा लेते हैं, हमें एक यूट्यूबर ने बोला था। और लैसिक से और जो बहुत सारे फायदे हुए ना मुझे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार बारिश होते हुए देखी। मैं समंदर पे जाता हूँ तो अब मुझे समंदर नज़र आते हैं, क्योंकि जो चश्मा लगाते हैं उनको पता है कि ये चीज़ें कितनी पेनफुल होती हैं, कि जब आपकी किसी भी सीन के अंदर पानी इन्वॉल्व हो जाता है तो आपका सारा का सारा मज़ा तो वहीं गिरगिरा हो जाता है। तो लैसिक का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप लाइफ की वो चीज़ें नए सिरे से इन्जॉय करने लगते हैं जो आप समझते हैं कि कभी नहीं हो सकती। तो ये था मेरा पूरा लैसिक का रिव्यू, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज़ डोंट सीक मेडिकल एडवाइस फ्रॉम मी। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने और मेरी फैमिली ने लैसिक करवाने के बाद जो हमारा पूरा रहा है वो मैंने आपको बताया है। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे सवाल करेंगे तुमने कहाँ से करवाया था, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया उसने एक बंदे ने ख़राब भी कर दिया था, तो उनको पब्लिकली ऐसे यहाँ पे वो करना, कॉल आउट करना, आप मुझसे वो उसमें पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम के DM में। हाँ, मेरे ख्याल में DM ही कर लीजिएगा, उस पर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ से करवाया था, और मैं जहाँ से आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि आप वहाँ से मत करवाइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी अबाउट लैसिक, अबाउट चश्मा रिमूवल। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप सही डिसीजन ले सकेंगे या बेहतर डिसीजन ले सकेंगे, या इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी और इनसाइट मजीद मिली होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए